The Great Happiness Bhutam Saranam Gacchami. प्रज्ञा को बढ़ाने से और प्रज्ञा की तरक्की 22 प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते पूरा प्रज्ञावान होता है। तो सील के बल से, समाधि के बल से और प्रज्ञा के बल से हर आदमी आज भी दुख मुक्त हो रहा है। बुद्ध के समय में भी दुख मुक्त होता था और कल भी इसी धम्म का पालन करते करते हर आदमी दुख से मुक्त हो जाएगा। ऐसा परिपूर्ण धम्म, इस धम्म को मैं त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूँ। इस धम्म के राह पर कदम कदम चलते हुए भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ ने आपने त्याग के बल पर पूरी दुनिया को अपने पास खींच लिया। बुद्ध के पवित्र पावन भिक्षु संघ ने आपने समाधि बल से और प्रज्ञा के बल से तमाम दुनिया के लोगों को प्रज्ञा के महान तेजस्वी प्रकाश में सबको उजाला दिया, सबको जगाया, सबको प्रज्ञावान बनाया। ऐसा पवित्र पावन निष्कलंक अरहंत पूजनीय भिक्षु संघ को त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूँ। आज के दिन पर हम लोगों ने आज जो बौद्ध धम्म का दीक्षा समारंभ का अभी तक सुना है, आज 66 साल हो रहे हैं हमारे देश में ऐतिहासिक बौद्ध धम्म का स्वीकार हुआ है। ये बौद्ध धर्म का स्वीकार परम पूज्यनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर के ऐतिहासिक नाग भूमि में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। यह सत्य है, यह सत्य का मार्ग है, यह सत्य की गर्जना है, यह सत्य का पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला हुआ क्रांति का कदम है। हर बात में लोगों ने इसको अपनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए जो जो लोग उनके साथ थे वो कोई एक दिन का परिवर्तन नहीं हुआ है कि कल बाबा साहब बोले कि मैं बौद्ध हो जाऊंगा और फिर बाबा साहब नागपुर में आ गए और कल बौद्ध हो गए, ऐसी कोई एक दिन की बात नहीं है। ये हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश के बड़े बड़े लीडर, आरपीआई के लीडर, भारत के अलग अलग कांग्रेस के लीडर, हर पक्ष के लीडर बाबा साहब की इस दिन को बहुत बातें बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज जो विजयादशमी के अवसर पर, अशोक विजयादशमी के अवसर पर जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस घर से निकालना और उस घर में घुसना इतनी कोई सीधी बात नहीं है। ये रेलवे डब्बे के इस डब्बे से निकला और उस डब्बे में घुस गया, इतनी कोई साधारण बात बाबा साहब ने नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 साल इस बात को अच्छा एक प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्होंने रामायण, महाभारत, शिवलिंग अमृत, गीता और तमाम पोथी और पुराण स्मृति, 18 स्मृति और बड़े बड़े पुराण को पढ़ लिया, पवित्र कुरान को पढ़ लिया और पवित्र नवा करार, पुराना करार बाइबल को पढ़ लिया और ग्रंथ साहब सिख धर्म का भी ग्रंथ पढ़ लिया। बुद्धिज्म के बाबा साहब ने 30,000 ग्रंथ पढ़े। 22 साल उन्होंने
अध्ययन चिंतन मनन किया। कोई आदमी इस बात को समझता क्या? कोई अपने राज्यसभा में सामाजिक न्याय विभाग में हमारे मंत्री है रामदास जी आठवले, उन्होंने क्या कहा? ये इतना अभ्यास किया क्या उन्होंने? उन्होंने बोला कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इच्छा न होते, इच्छा नहीं होने से भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। ये आठवले का जो अपना वचन, वो उसका वचन नहीं है, वो किसी ने उसको सिखाया है। वो को खुद नहीं बोल रहा, वो उसकी एक राजनैतिक पॉलिसी है मंत्री पद को टिकाने की, मंत्री की लालच को खाने की वो पॉलिसी है। वो कोई वक्तव्य नहीं है, वो कोई विचार नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर बाबा साहब को जानना है तो आपको भी ऐसा ही अध्ययन करना पड़ेगा। बाबा साहब के पास 36 डिग्रियां थी जो अनुसंधान किया था उन्होंने, और 9 भाषाएं थी उनके पास जिसके ऊपर उनका कमांड था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कैरेक्टर को कोई ऐसा हाथ नहीं लगा सकता था, उंगली नहीं उठा सकता था। इतना निष्कलंक और निष्पाप, निस्वार्थ और गर्वहीन बाबा साहब का इस देश में इमेज था, इस देश में सबसे बड़ा व्यक्तिमत्व था जो बहुत निष्कलंक और ज्ञानी महापुरुष का व्यक्तिमत्व था। उनकी पर्सनैलिटी भारत नहीं सभी दुनिया में सबसे ऊंची थी, और यह सबसे बड़ा ऊंचे ज्ञान का महापुरुष जो इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्रज्ञ था और समाज शास्त्र में समाज शास्त्रज्ञ था और शिक्षा के शास्त्र में शिक्षा शास्त्रज्ञ था। ऐसी बाबा साहब को 14 डिग्रियां का उनका ज्ञान था, विधि शास्त्रज्ञ थे, भूगोल शास्त्रज्ञ थे, तर्क शास्त्रज्ञ थे, धार्मिक शास्त्रज्ञ थे और तत्व ज्ञान के शास्त्रज्ञ थे और इतिहास के भी शास्त्रज्ञ थे और रेगुलेशन के भी वो शास्त्रज्ञ थे। आप इस बात को बड़ी गंभीरता से जानना चाहिए, सुनना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये अशोक विजयादशमी के अवसर पर बौद्ध धर्म को लेने की जो मन में महत्वाकांक्षा बढ़ गई, इच्छा शक्ति बढ़ गई, क्या कारण था? बौद्ध धर्म में जब राजा अशोक आया था तो उन्होंने 6 महीना तक तपश्चर्या की थी, विपस्सना की थी, और राजस्थान का जो गुजरात और राजस्थान का विपस्सना केंद्र था वहाँ पर राजा अशोक 6 महीना तक ध्यान करते करते परिपूर्ण हुआ था, परफेक्ट ह्यूमन बींग हुआ था, निष्कलंक हुआ था, विकार मुक्त हुआ था और तृष्णा मुक्त हुआ था, वासना से मुक्त हुआ था, द्वेष से मुक्त हुआ था, बड़ा निर्मल हुआ था, बड़ा निर्मल निष्पाप हुआ था, अपने धार्मिक अवस्था में बहुत ही पहुंचा हुआ था। उस समय उसने ऐलान किया था कि कोई भी प्राणी हो मेरे लिए उसका खाना नहीं बनाना। हरिन का प्राणी हो, खरगोश हो, मगर हो, और इतना ही नहीं, अलग अलग जितने भी गरीब प्राणी हैं मेरे दरबार में, मेरे लिए एक भी प्राणी को काटकर मुझे उसकी सब्जी या उसका जो भी मटन है या उसका जो भी करी है, चिकन करी नहीं देना। बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन में अशोक विजयादशमी के अवसर पर ये राजा अशोक ने पूरा सब प्रकार के प्राणी को मारकर बंद करने का आदेश लगाया था। यही उनका विजय है। जिन्होंने अपने वासना पर विजय मिलाया वही बुद्धिमान आदमी है, वही विद्वान आदमी है,
जिन्होंने अपने गर्व और अभिमान पर विश्वास मिलाया वही उसका विजय है, वही अशोक राजा का विजयादशमी है। जिन्होंने अपने अहंकार और घमेंड के ऊपर पूरा विजय पाया है वही सच्चा अशोक विजयादशमी का अनुयायी है। इसीलिए हमारे धर्मवान लोगों ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक साथ राजा अशोक का जो अशोक विजयादशमी है वो हमारे मन से आरंभ होना चाहिए। हम डरपोक नहीं होना चाहिए, हम किसी के पास जाके हाथ जोड़कर उसके सामने फूल अर्पण करके माला अर्पण करके कुछ नहीं मांगना चाहिए, किसी दरबार में नहीं जाना चाहिए, किसी देवी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किसी देवता के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किसी अवतार के इस भरोसे पर अपना जिंदगी चलाने की कोई भक्ति नहीं करना चाहिए। अवतारवाद को झूठा मानकर हम रहना चाहिए, क्योंकि अवतार माँ अवतारवाद जो है ये देवीवाद जो है देवता है, इनका निर्माण ब्राह्मणों ने पेट के भरने के लिए 13वीं शताब्दी में किया है। ये ब्राह्मण की चाल है, उसका रोजगार हम योजना है। इसीलिए देवी देवता के पीछे हम भगवान बुद्ध के धर्म में आने के बाद में हम कदम कदम जो अंधे होकर चलते हैं या अंधश्रद्धा से चलते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। हमने देखा कि बुद्ध विहार में बहुत महिलाएं एक लाइन में बुद्ध के दर्शन में जा रही है, कितनी लंबी कतार है। एक साइड में लेडीज है, एक साइड में जेंट्स है, ये कोई गलत नहीं, लेकिन आज के दिन पर पूरा ज्ञान सुनने के लिए भिक्खु धर्म गुरु के पास आना चाहिए। इतनी बड़ी लंबी कतार महिलाओं ने बुद्ध भगवान के दर्शन को बुद्ध विहार में लगाने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो दर्शन होता है कैसे दर्शन होता है, बुद्ध का दर्शन को मतलब का क्या होता है दर्शन, बुद्ध को हाथ जोड़ने का मतलब क्या होता है, भगवान बुद्ध की पूजा करने का मतलब क्या होता है। क्या तुम्हारे घर में बुद्ध भगवान अभी तक नहीं लाया? क्या तुम्हारे घर में भगवान बुद्ध को तुम फूल नहीं चढ़ाते? अभी 60 साल हो गए, 66 साल हो गए, भगवान बुद्ध के मूर्ति आपके घर में नहीं रखा? तो क्या अनाथ पिंडी गुरुद्वार में तुमने देखा क्या बुद्ध की मूर्ति? तो आपका दिमाग किधर चल रहा है? आज इतने लंबे लंबे सफर से भिक्खु संघ आ गया, उनके भगवान बुद्ध के वाणी के ये बुद्ध अमृत वाणी के शब्द सुनना, उनके ज्ञान सुनना, त्रिशरण पंचशील ग्रहण करना, ये क्या बता रहे हमारे भिक्खु संघ हमारे धर्मगुरु? ये छोड़ दिया और एक लाइन में लग गए तुम अंधे अंधे होकर? इतने भी अंधे बौद्ध नहीं चाहिए, बौद्ध लेडीज बौद्ध जेंट्स इतने भी अंधे नहीं चाहिए। लंबा कतार 2 घंटे 3 घंटे तक लाइन में लगकर भगवान बुद्ध का दर्शन करते रहेंगे, ये गलत है, ये बौद्ध संस्कृति नहीं है, ये बौद्ध रिवाज नहीं है। ये आपके माथे पर हिंदू देवी देवता के पास जो लोग लाइन में रखते उसका आपके मन के ऊपर दबाव गिरा है, आपको इम्पैक्ट हो गया है, ये भी लाइन में लगे हैं दुर्गा माता के लाइन के लिए मंदिर में, रेणुका देवी के मंदिर में लगे, हम भी बौद्ध है तो हम भी लग जाएंगे लाइन में और पूजा करेंगे। ये इतना जो अंधापन है, इतना जो मिथ्या दृष्टि है, इतना जो प्यार है, ये छोड़ना चाहिए बौद्धों ने, क्योंकि बुद्ध का दर्शन भगवान बुद्ध के समय में भी बहुत बड़े बड़े ऐसे गुच्छ लेके, बड़े सुगंधित हार लेके, बड़े सुगंधित अलग अलग प्रकार के फूल माला लेके लोग आते थे और भगवान बुद्ध को देते थे, और बुद्ध भगवान कहते थे क्या इतना बड़ा फूल माला देकर मेरा दर्शन नहीं होता है, इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं, आपको भी कुछ भी लाभ नहीं। भिक्खु लोग भी देते थे, भिक्खुनी भी देती थी,
उपासक ज्यादा देते थे, ग्रस्त लोग बड़ी बड़ी फूल माला देते थे जिनका सुगंध चारों तरफ फैलता था। लेकिन बुद्ध कहते थे इतने बड़े फूल मुझे देखे और मेरे हाथ में पूजा करके आपको कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है, इसका कुछ भी फल नहीं है। फूल चढ़ाने का भी एक मीनिंग, एक अर्थ होता है। हम पाली में कहते हैं पुप्फं मिलायति यथाइदं मे कायोतया कायो तथा याति विना सबावं। बुद्ध के पाली भाषा में जब हम लोग बुद्ध पूजा कहते हैं पाली में तो कहा है ये जो पुष्प है, ये फूल है, बड़े सुगंधित है, बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं। और ये जो फूल है हम जब किसी के चरणों पर चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के पांव के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान बुद्ध के माथे पर, उनके कंधे पर नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान बुद्ध के ये चिवर वस्त्र के ऊपर फूल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ये कोई देवता नहीं है, बुद्ध ईश्वर नहीं है, बुद्ध परमेश्वर नहीं है, बुद्ध सामान्य आदमी नहीं है, बुद्ध अवतारी पुरुष नहीं है, बुद्ध आधा आदमी और आधा अवतार भी नहीं है। तो बुद्ध क्या है? ये बुद्ध जो है इसको जानना चाहिए। बुद्ध ये उच्च ज्ञान का मार्ग है, बुद्ध ये दुख मुक्ति का मार्ग है, बुद्ध ये परम सत्य का मार्ग है। जो जो आदमी बोधि सत्व के 10 पारमिताओं को पूरा करते 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 कदम कदम चलेगा, आपने इच्छा शक्ति के बल पर, आपने श्रद्धा के बल पर, आपने प्रयास वीर्य पारमिता के बल पर, आपने जिज्ञासा करियर के बल पर बहुत अच्छे कर्म करते करते दान पारमिता पूरी करेगा, शील पारमिता पूरी करेगा, नैष्कर्म पारमिता पूरी करेगा, वीर्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता पूरी करेगा, सत्य पारमिता पूरी करेगा, शांति पारमिता पूरी करेगा, प्रज्ञा पारमिता पूरी करेगा और करुणा पारमिता, उपेक्षा पारमिता पूरी करते करते 10 पारमिता, उपदस पारमिता, परमार्थ 10 पारमिता पूरी करेगा, तभी उसका मानव जन्म सफल हो जाएगा। उसी आदमी को, उसी लेडीज को सही लेडीज कहा जाएगा, उसी आदमी को सही आदमी कहा जाएगा जो 10 पारमिता करने में अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करता है। वही सच्चा आदमी है, वही बौद्ध आदमी है, वही भारत का सच्चा नागरिक हो सकता है। समाज का कल्याण करने वाला, समाज की भलाई करने वाला, समाज को बदलने वाला 10 पारमिता पूरा करने का उसके मन में करियर होना चाहिए, उसके मन में श्रद्धा बल होना चाहिए। और इसीलिए बुद्ध उस आदमी को कहा जाता है कि जिन्होंने 10 पारमिता पूरी करते करते, परमार्थ पारमिता पूरी करते करते और उपदस पारमिता पूरी करते करते 30 पारमिताओं को पूरा कर दिया है, ऐसे परिपूर्ण ऊंचे ज्ञान के अवस्था को बुद्ध कहते हैं। अमर्याद संयम को बढ़ाने वाला यही बुद्ध होता है, अमर्याद नम्रता को बढ़ाने वाला बुद्ध है, अमर्याद नैतिकता को बढ़ाने वाला बुद्ध है, अमर्याद अपने हमदर्दी को, अपने प्यार को, अपने मैत्री को बढ़ाते बढ़ाते तमाम दुनिया की सेवा करने वाला ये बुद्ध है। मैत्री बढ़ाने वाला अमर्याद वो बुद्ध है। मेरा भला हो, तेरा भला हो, मैं दुख से मुक्त हूं, तू भी दुख से मुक्त हो, मैं भय से मुक्त हूं, तू भी भय से मुक्त हो, मैं व्याधि बीमारी से मुक्त हो जाऊं,
तेरा भी व्याधि और बीमारी से मुक्त हो जाना। मैं निर्गर्भी बनूं, सब लोग निर्गर्भी बने। मैं निर्वैरी बनूं, सभी लोग निर्वैरी बने। सबका भला हो, 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 सबका भला हो। ऐसी राज दीन जो भावना करता है, इसी उच्च ज्ञान की अवस्था को बुद्ध कहते हैं। पूरा त्याग करने वाला बुद्ध होता है। जब घर से निकल गए बोधिसत्व गौतम, तो बाद में और घर में नहीं आए कि मेरा घर ही है, मैं यहाँ पर चलता था, मैं यहाँ पर बैठता था, मैं यहाँ पर खाता था, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा ये दरबार, ये मेरा पूरा मकान, ये मेरा बरसात का पूरा महल, ये मेरा ठंडकाले का महल। ऐसा बुद्ध कभी नहीं मन में लालच करता था, ना उसकी आसक्ति करता था, ना उसके बंधन में कभी जाता था। जो बंधन मुक्त है वही बुद्ध है, जो वासना मुक्त है वही बुद्ध है, जो गर्व मुक्त है वही बुद्ध है, जो अभिमान मुक्त है वो बुद्ध है, जो 120 प्रकार के आसक्ति वासना से मुक्त है वही बुद्ध है, जो काम तृष्णा से, जो भव तृष्णा से, जो विभव तृष्णा से परिपूर्ण तृष्णा मुक्त है, अनासक्त है, वही बुद्ध है। जो सबको जोड़ने का काम करता है, दिल से दिल जोड़ता है, घर से घर जोड़ता है, गांव से गांव जोड़ता है, राज्य से राज्य जोड़ता है, राजा को भी जोड़ता है, पूरी दुनिया को जोड़ने वाला ऊंचे ज्ञान का मार्ग वही बुद्ध है। इसीलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बुद्ध का मार्ग है। इसीलिए जब जब कोई आदमी बुद्ध बनता है वो दुख से मुक्त होता है, उसमें किसी दुख का उनमें कोई भी संशेषण या संवेदना नहीं होती। जब बुद्ध दुख से मुक्त होता है तो पूरे लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए इस गांव से उस गांव में जाता है, इस जनपद से उस जनपद में जाता है, इस जिला से उस जिला में जाता है, इस राज्य से उस राज्य में जाता है, इस अलग अलग प्रकार के अपने अपने लोगों में नहीं जाता लेकिन सभी लोगों में जो घूमता है, ऐसा जिनके दृष्टि में सबको जानने का बल है कि इसकी मन की अवस्था क्या है, ये कहाँ दौड़ रही है, ये आदमी कहाँ भाग रहा है। जो अंतर मन की लहरें, अंतर मन की तरंगे जो जानता है पर चित्त विद्या ज्ञान के बल के ऊपर, वो दुख से मुक्त होने के लिए उसमें क्या डिफिकल्टी है, वो आदमी को क्या तकलीफ है, वो दुख से मुक्त नहीं हो रहा है, क्या क्या कारण है, उन कारणों को वो बुद्ध जानता है और वो कारणों को दूर करता है और तमाम लोगों को बुद्ध ये दुख से मुक्त करने वाला ऊंचा ज्ञान ये धम्म मार्ग बताता है। इसीलिए अपने मन में बुद्ध की जो पूजा है, इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि, देखिए ये पाली में कहा है, इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। बुद्ध की पूजा कौन सी होती है? अगर आप खाली फूल चढ़ाओगे और फूल चढ़ा के वहां पर कुछ नहीं मन में ध्यान करोगे, चिंतन नहीं करोगे, ध्यान की मन की एकाग्रता नहीं करोगे, तो केवल फूल चढ़ाना हो गया, पूजा नहीं हुई। क्योंकि जो फूल है वो सूख जाता है। चमेली का फूल तुम देखते हैं कि कितना जल्दी सूख जाता है, सुबह सुबह आता है और शाम को
मुरझा हो जाता है, सूख जाता है और सूखने के बाद वो गिर जाता है। तो हर फूल का स्वभाव है बहुत सुंदर दिखना, बहुत खूबसूरत दिखना, बहुत आकर्षित होना और बहुत ही कोमल दिखना, ये फूल का स्वभाव है। इसीलिए ऐसे फूल को देखकर आप भगवान बुद्ध के ऊपर चढ़ा के उनके पास में, उनके पांव के बाजू में, या बाबा साहब अंबेडकर के पास चढ़ा के बाबा साहब को माला लगा के, फूलों की बड़ी सुंदर सुंदर माला बाबा साहब को पहना के हाथ जोड़ना, ये बहुत अच्छा कर्म है। लेकिन जब बुद्ध के पास में अगर आप बहुत फूल रखते हैं तो ये सोचना पड़ेगा, ये तो फूल सूख रहे हैं, ये फूल पूरे मुरझा गए, इनको ये नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, भंगुर हैं, अरे मिट्टी में जा रहे हैं, उसका एक एक कण इस मिट्टी में जा रहा है। इस तरह से सोचते सोचते ये फूल नश्वर है, ये फूल भंगुर है। ऐसा ही ये जो मेरा देह है, ये जो मेरा बॉडी है, ये मेरा शरीर है, अभी सुंदर दिखता हूँ मैं, अभी बाहर बाहर से मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मेरा सौंदर्य बहुत सुंदर है, मेरा कलर कलर भी बहुत अच्छा है, मेरा नाक, मेरे आंखें, मेरे गाल, मेरे बाल, मेरी पूरी बॉडी कितनी सुंदर है। ऐसा आप वस्तुनिष्ठ माने जैसा है वैसा देखते हो, ऐसा देखने के बाद भी ये इतना सुंदर शरीर 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल हो जाता है, 60 साल हो जाता है, कितने कितने साल हो जाते हैं, तो बदलता है, तो बदल गया। अरे 20 साल का शरीर 60 साल में बदल गया कि नहीं, और 60 साल का शरीर 70 साल 80 साल में बदल गया कि नहीं। तो हर अच्छे सौंदर्य में बुढ़ापा भी छुपा हुआ है, हर अच्छे बॉडी में भी ये पूरा कुरूपता है, अंदर में कुरूपता है, नश्वरता है, ये भंगुरता है कि ये शरीर नष्ट होने वाला है, जो पैदा हुआ है वो नष्ट हो रहा है, और जो नष्ट हो रहा है वो बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो दुख दे रहा है। कभी कभी कोई लेडीज या जेंट्स देखता है कि अरे मैं कितना सुंदर था, 20 साल का था तो क्या सुंदर मेरे गाल थे, क्या सुंदर मेरी आंखें थी, क्या मेरा कलर था, अभी तो 40 साल चले गए, 50 साल चले गए तो कैसा हो गया, अरे मुरझा गई आंखें, आंखें अंदर चले गए, अरे दांत गिरने लगे, पूरे दांत गिरने लगे, अरे कैसा दिख रहा हूं मैं। तो इस तरह से हमें सच्चाई को मानना होगा, सच्चाई को जानना होगा कि शरीर नश्वर है, शरीर भंगुर है, एक दिन पूरा सूखते सूखते पूरा इतना सूख जाएगा कि वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं भी इस मिट्टी में चले जाऊंगा, मैं भी इस धरती में चले जाऊंगा, इस धरती के कणों कणों में मैं रहूंगा, तो मेरा भी एक शरीर का कण कण, मेरा शरीर का ये हर एटम इस धरती के कण कण में जाएगा, तो मैं धरती के रूप में हो जाऊंगा। मेरा जो भी रूप है वो चारों धातु का रूप है, पृथ्वी में पृथ्वी चले जाएगी और पानी में पानी चले जाएगा और उष्णता में उष्णता चली जाएगी और हवा में हवा चली जाएगी। पृथ्वी आप तेज और वायु अगर इस तरह से नश्वर है तो कहाँ गर्व करूंगा मैं, कहाँ अभिमान करूंगा, कहाँ मैं करूंगा, कहाँ मेरा करूंगा। कितने लोग सोचते बेचारे अज्ञान में और बोलते ये मैं, अरे मैं और मैं के लिए आज झगड़ा हो रहा है। इसीलिए आप सभी लोगों को इतना ही कहना है कि सही धर्म जो है ये धर्म का पालन करना, यही बुद्ध की पूजा है। सही सील का पालन करना, किसी प्रकार के आदमी औरत को दुख दर्द नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दुख देकर उसको मारने की मन में भावना भी नहीं लाना, यही
सही पूजा बुद्ध की है, ऐसा मन में आना ही नहीं होना चाहिए, मैं इसको मारता हूं। ऐसा मन में जब नहीं आएगा तुम्हारे, तो तुम्हारे में बुद्ध आ गया है, तुम बुद्ध बन गए, अंदर से बुद्ध बन गए, तुम किसी को मारने की कभी इच्छा करते नहीं, तुम सबको बचाना चाहते हैं, सबको जिंदा करना, सबको जान बचाना, उसके जीवन को अच्छा सुखी करना, यही बुद्ध का मार्ग है, यही बुद्ध की पूजा है। ऐसे ही हत्या से पूरी तरह से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, किसी का धन नहीं लूटना, किसी का सोना नहीं लूटना, किसी का भी धन दौलत या जमीन या उसका मालिक बनने की इच्छा नहीं करना, ये तमाम पापों से मुक्त होना, यही बुद्ध की पूजा है। किसी औरत को देखकर, किसी माता को देखकर, किसी लेडीज को देखकर, किसी दो बच्चे वाले माँ को देखकर, कि तीन बच्चे वाले माँ को देखकर, कुंवारी हमारे बहन को देखकर भी हम कभी भी ऐसी भावना नहीं करना चाहिए। पूरे पापों के भावना से मुक्त होना चाहिए, पूरे निष्पाप जिंदगी जीना चाहिए, निष्पाप से मन को बलवान करना, नैतिकता का पालन करना और व्यभिचार की अनैतिक वासना को त्यागना, व्यभिचार से विरत रहना, यही बुद्ध की पूजा है। गाली नहीं देना किसी से, गाली देने से तो आपके मुंह से पूरा ये गंदगी का बुदबू आ रहा है, अरे कितना बुदबू आ रहा है, तुमने गाली दिया तो तुम्हारा पूरा मुंह माने दुर्गंध फैला रहा है, तुमने चुगली किया तो अरे तुम्हारे मुंह से पूरा बुदबू आ रहा है, कितनी गंदगी फैल रही। इसलिए चुगली से विरत रहना और गाली गलौज से विरत रहना, बदनाम करने की या किसी की निंदा करने की लालच से विरत रहना, बकवास करने से विरत रहना, यही बुद्ध की पूजा है। और दारू न पीना, शराब नहीं पीना, किसी प्रकार की नशा नहीं करना, यही बुद्ध की पूजा है। दिल से दिल जोड़ना, घर से घर जोड़ना, भाई से भाई जोड़ना, समाज को जोड़ना, एकता से रहना, एकी से रहना, एकात्मता पैदा करना, यही बुद्ध की पूजा है। प्यार से रहना, नम्रता से रहना, गर्वाभिमान को छोड़ना, हमेशा करियर को बढ़ाना, शिक्षा के अलग अलग कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना और UPSC में फर्स्ट में लाना बच्चों को, MPSC में फर्स्ट में लाना बच्चों को, कलेक्टर बनाना, DYSP बनाना, DIG बनाना, यही बुद्ध की पूजा है। अच्छे विचारों से जिंदगी जीना, महिलाओं की ईर्ष्या नहीं करना, किसी माता बहन ने किसी माता बहन पर नहीं जलन करना, कितना भी उसके पास धन हो, कितना भी उसके गले में सोना हो, किसी महिला भगी महिला माता ने किसी के ऊपर जलन नहीं करना, जलन से मुक्त होना, यही बुद्ध की पूजा है। अपने पूरे तमाम जितने भी हमारे परिवार के या हमारे इंसानियत के जो रिलेशन होते हैं, ये तमाम रिलेशन को मजबूत करना, प्यार के रिलेशन, मोहब्बत के रिलेशन, हमारे पुराने अलग अलग जितने भी रिश्तेदार है, रिश्तेदार के इलेक्शन जितने भी नाता है, वो नाते को भी अच्छा मजबूत करना, पति पत्नी का प्यार मजबूत करना और पवित्र भावना से रहना, यही बुद्ध की पूजा है। समता को बढ़ाना, समता में पूरे समाज को बढ़ाना, भेदभाव को दूर करना, और ये ऊंचे जात का है, ये नीचे जात का है, ये बहुत बड़ा भारी अमीर है, ये गरीब है, ये तमाम मन की क्लेश को दूर करना, यही बुद्ध की पूजा है। समता के भाव को बढ़ाना, समानता को बढ़ाना, समाहित भावना को बढ़ाना, मन की एकाग्रता को बढ़ाना, मन की पवित्रता को बढ़ाना और भाईचार को बढ़ाना, बंधुत्व को मजबूत करना, समाज को एक ही रूप में लाना, यही बुद्ध की पूजा है। और स्वतंत्र मन को आगे बढ़ाते बढ़ाते स्वतंत्र मन की शक्ति बढ़ाना और मानसिक गुलामी से पूरा मुक्त होना, यही बुद्ध की पूजा है। कभी कभी जितने भी युवा लोग हैं, युवती है, लेडीज है, अपने अपने मन के विषय में गुलाम होते हैं,
कोई पैसे की गुलाम होते तो पैसे के लिए झगड़ते, मेरे पैसे देते कि नहीं, तुम मेरे पास से तुमने लिया था 10,000 रुपया क्यों नहीं देते। तो कोई कोई लोग पैसे के लिए गुलाम होते हैं, कोई आंखों से रूप देखता है तो रूप देखते देखते रूप में गुलाम हो जाते हैं, रूप में आसक्त हो जाते हैं, रूप के चक्कर में घूमते हैं, क्या सुंदर रूप है, कितना खूबसूरत रूप है, ऐसे रूपों में अपना उलझन बनाना ये गुलामी मन की है। शब्द की उलझन बनाना ये मानसिक गुलामी है। और गंध की, गंध जो है नाक से सुनते हैं तो नाक के गंध को उसमें हमने मन को वहां लगाना या उलझन में जाना, गंध की उलझन में घूमना, ये भी मन की गुलामी है। ये मानसिक गुलामी से भी मुक्त होना यही बुद्ध की पूजा है। राग क्रोध से मुक्त होना ये बुद्ध की पूजा है। अभिमान से मुक्त होना ये बुद्ध की पूजा है। गुस्सा से मुक्त होना यही बुद्ध की पूजा है। प्रमाद आलस से मुक्त होना यही बुद्ध की पूजा है। उत्साहशील होना, विवेकशील होना, ज्यादा पढ़ाई करना, पढ़ाई में फर्स्ट नंबर लाना यही बुद्ध की पूजा है, मैं समझता हूँ। इस तरह से आप लोगों ने अगर समझ लिया कि बुद्ध की क्या पूजा होती है तो यही महत्व का है। पवित्र मन से ही कुशल कर्म करते करते काया के कुशल कर्म, वाणी के कुशल कर्म, मन के कुशल कर्म ये जिंदगी भर करना ये बुद्ध की पूजा होती है। इसीलिए परम पूज्यनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी देवता को छोड़ने का उन्होंने आदेश किया कि मैं ब्रह्म विष्णु महेश इनको देव नहीं मानूंगा, उसकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण इनको देव नहीं मानूंगा, उसकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। और ये ईश्वर का अवतार होता है ये झूठ और गलत प्रचार है। बुद्ध विष्णु का अवतार है ये भी झूठ और फंसाने वाला प्रचार है। इस तरह से बाबा साहब ने दैववाद इससे हमें बाजू कर दिया है। आप सभी लोगों को ये 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने जो अमृत दिया है भारत को जोड़ने का, आपको उसे आगे बढ़ाना है। 22 प्रतिज्ञा का अभियान चलाने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम और कार्य आपके ऊपर है। मैं भारत बौद्धमय बनाऊंगा, इसके लिए आप धन देते रहो, आप पैसा देते रहो, आप शक्ति देते रहो, आप दिमाग लगाते रहो, आप बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ उसका प्रचार करते रहो, गांव गांव में जाते रहो, 2 लोग 4 लोग 5 लोग गले में आइडेंटिटी लगा के आप सभी के पास जाके 3 पान 5 पान 10 पान पढ़ा के बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का बाबा साहब ने जो बताया हुआ है वो पूरी तरह से समझाना उनको और जगाना और 22 प्रतिज्ञा देना और त्रिशरण पंचशील सिखाना, ये बुद्ध का धम्म प्रचार और प्रसार का कार्य आपके ऊपर है। बाबा साहब ने कहा मैं भारत बौद्धमय करूंगा, इस कार्य के लिए हर आदमी ने, हर सज्जन ने, हर बुद्धिमान बौद्धों ने अपने अपने इलाके से संगठन करते हुए 10 लोगों की टीम बना के, 20 लोगों की टीम बना के भारत बौद्धमय करने के लिए अलग अलग बस्ती में, अलग अलग गांव में जाना चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। और त्रिशरण पंचशील पाठ करके लेना, अष्टशील पाठ करके लेना, 22 प्रतिज्ञा पाठ करके लेना, ये आपका काम है। और मैं शासन करती जमात बनाना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ना, बुद्ध का धर्म ये सबसे बड़ा धर्म है और यही इसका प्रचार करना, इसका प्रसार करना ये हर अपने बौद्धों का काम है। और अपने पढ़े लिखे लोगों को, अपने पढ़े लिखे बच्चों को शासन में कलेक्टर बनाना, कमिश्नर बनाना ये आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह से आज के विजयादशमी के अवसर पर और आज के बौद्ध धम्म के स्वीकार बाबा साहब ने किया, ऐसे पवित्र दीक्षा समारंभ के परम पावन ये पर्वत पर यह महान दिन है, पावन दिन है, इसका मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। बाबा साहब ने
हमको इज्जत दिया, हमको सम्मान दिया, हमारे लिए स्वाभिमान का मार्ग बताया और नरक से बाहर निकाला। ये नरक जो है ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की प्रथा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, हिंदू धर्म का चार वर्ण ये नरक है, हिंदू धर्म का जातिवाद ये नरक है, हिंदू धर्म का दैववाद ये नरक है, हिंदू धर्म का ईश्वरवाद और आत्मवाद ये नरक है, हिंदू धर्म का ब्रह्मवाद ये नरक है, हिंदू धर्म का जो भी पूजा पाती है ये पूरा नरक है। ये जितनी जल्दी आप अपने दिमाग से समझते रहोगे उतना आप अच्छे विद्वान बनोगे, अच्छे गुणवान बनोगे। इसलिए नरक से आप अपना नाता मत जोड़ो, नरक में भक्ति मत करो, नरक में पूजा मत करो, नरक में कभी नहीं फंसना। बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध धम्म इसका पालन करना, शील का पालन हर दिन करना, ध्यान करते रहना, समाधि करते रहना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हर दिन 45 मिनट्स ध्यान करते थे। औरंगाबाद में जब बाबा साहब आते थे तो वहाँ पर मिलिंद कॉलेज है, वहाँ पर बाबा साहब सुबह 6 बजे ध्यान करते थे। ये नाक से दोनी नासिका से श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, धीरे आ रहा है, श्वास धीरे जा रहा है, लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है, इस तरह से बाबा साहब श्वास के ऊपर 45 मिनट ध्यान करते थे। तो उनका मन पवित्र होता था, उनका मन बैलेंस रहता था, उनके मन में समता समाहित भावना रहती थी और पूरा बाबा साहब बहुत उत्साहशील और बहुत उद्योगशील और बहुत ब्राइट रहते थे। इसीलिए भाइयों, शील का पालन करते करते हमें फल मिलता है, समाधि प्राप्त होती है और निर्मल मन की एकाग्रता यही समाधि है। समाधि और शील के महाफल से प्रज्ञा प्राप्त होती है। तो प्रज्ञा, शील और समाधि ये तीनों मार्ग से हमारा दुख पूरा मिल जाता है, दुख दर से हम मुक्त हो जाते हैं। इसी में शांति मिलती है, इसी में सुख मिलता है, इसी में समाधान मिलता है। शील का पालन करने से, समाधि का विकास करने से और प्रज्ञा का विकास करने से शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, सेटिस्फाई आदमी होता है। इसीलिए शील का पालन हर दिन करते रहो, समाधि को बढ़ाते रहो, परिपक्व बनाओ और प्रज्ञावान बनो। प्रज्ञावान बनने से ही दिमाग से अंधेरा चले जाएगा और आप उजाले में आ जाएंगे। ज्ञान का उजाला, प्रज्ञा का उजाला, प्रज्ञा की तेजस्विता आपके अंदर में आएगी तो आप बहुत बड़े हो जाओगे। इतना ही आज के दिन पर अशोक विजयादशमी के पवित्र अवसर पर हमारे पूज्य भंते जी रेवत, हमारे पूज्य भंते जी धम्मपाल, इन्होंने बहुत कष्ट उठाकर 3-4 महीना से ये पूरा माहौल बनाया, इसलिए उनको मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उनको दीर्घायुष्य मिले, उनको बहुत बड़ा बल मिले, उनका आरोग्य बढ़ते रहे, इतना बताकर आशीर्वाद में मैं यहाँ पर धम्म देशना खत्म करता हूँ। हमारे भिक्खु, पूजनीय भिक्खु करुणानंद, पूजनीय भिक्खु शिवली, इन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन दिया, इसलिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। भवतु सब मंगलं, रखन्तु सब देवतां, सब बुद्धानुभावेन सदा सुती भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, रखन्तु सब देवतां, सब धम्मानुभावेन सदा सुती भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, रखन्तु सब देवतां, सब संगानुभावेन सदा सुती भवन्तु ते। बोलो साधु साधु साधु। The great happiness Bhutam Saranam Gacchami।